एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हारू अपने घर आता है, जहां मित्रु होती उससे उसके डेट के बारे में पूछता है, जिस पर हारू बोलता है मेरी डेट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। और तभी हारू वहां पर एक फोटो देखता है। अब मित्रु होती बोलता है, मुझे यह फोटो एक पुराने एल्बम में मिली। और अब वहां पर हारू को उसके पास्ट के बारे में याद आता है। उस वक्त हारू काफी अकेला और काफी गुस्से वाला था। और अब वहां पर एक लेडी आती है और बोलती है, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और मैं तुम्हारी आंट क्योको हूँ। अब आंट क्योको बोलती है, हमें इंसान, हमारी एजुकेशन, लव और हमारी एबिलिटी बनाती है। और हारू, मैं तुम्हारे ऊपर अब एक स्पेल कास्ट करने वाली हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू अपने स्कूल में एक बेंच पर लेटा होता है। और तभी वहां से ओशिमा आती है और हारू को आवाज लगाती है। अब योशिडा बोलता है, क्लास रेप, तुम यहां पर क्या कर रही हो? ओशिमा बोलती है, मैं कल्चरल फेस्टिवल की मीटिंग में जा रही हूं। और योशिडा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अब हारू बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहां पर सनबाथ ले रहा हूं नागोया के साथ। अब ओशिमा वहां पर हारू के पास आती है और बोलती है, जैसा तुमने उस दिन कहा था, उसी तरह मैं क्लास रेप के रूप में काफी ज्यादा मेहनत कर रही हूं, पर अभी मेरे पास कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं है। हारू बोलता है, चाहे तुम कोई भी काम क्यों ना करो, बस उसे मन लगाकर करो। और अब यह सुनकर वहां पर ओशिमा थोड़ा शर्मा जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहां एक जगह से नात्सुमी छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। वही नात्सुमी सोच रही होती है कि हारू यहां पर इसके साथ क्या कर रहा है। हारू बोलता है, अब शायद मुझे शिज़ुकु पसंद नहीं करती। ओशिमा बोलती है, तो क्या तुमने शिज़ुकु को अपने फीलिंग्स के बारे में बता दिया? हारू बोलता है, नहीं, अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब ओशिमा वहां पर हारू से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वह हारू को वहां पर देखकर चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। अब ओशिमा बोलती है, मेरे ख्याल से अभी तक शिज़ुकु ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, तो जब तक शिज़ुकु तुम्हें रिजेक्ट ना करे तब तक तुम्हारे पास टाइम है। अब हारू बोलता है, एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि जब हमारे हाथ से पानी फिसल के गिर जाता है तो हम उसे दोबारा नहीं उठा सकते, इसीलिए तुम्हें उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए। यह सुनकर वहां पर ओशिमा थोड़ी हैरान हो जाती है और हारू को देखने लगती है। अब हारू बोलता है, इसीलिए मैं यहां पर कोई भी गलती नहीं करना चाहता। और तभी वहां पर नात्सुमी आकर बैठ जाती है। अब हारू बोलता है, नात्सुमी, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तभी नात्सुमी बोलती है, अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो फिर तुम यहां पर बैठने के बजाय जाकर शिज़ुकु को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता क्यों नहीं देते? यह सुनकर हारू बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम नशे में हो? तभी नात्सुमी बोलती है, नहीं, मैं यहां पर बस बनाना जूस पी रही हूं। अब नात्सुमी बोलती है, शिज़ुकु भले ही अब तुम्हें पसंद ना करे, पर तुम्हें अभी भी ट्राई करते रहना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम एक लूजर हो। और अब यह बोलकर नात्सुमी वहां से भाग जाती है। और अब नात्सुमी को देखकर वहां पर हारू और ओशिमा दोनों एक साथ बोलते हैं, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू नागोया के साथ कहीं जा रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि आजकल वह लड़कियों की वजह से काफी प्रॉब्लम में फंस रहा है। और अब वहां पर हारू को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें हारू के हाथ से एक कप टूट जाता है, जिस पर वह लेडी उससे बोल रही होती है, हारू, तुम हमेशा सामानों को तोड़ते रहते हो, यह अच्छी बात नहीं। यह सुनकर हारू बोलता है, तुम किसी काम की नहीं। और अब यह सुनकर वहां पर मित्रु होशी हारू का सर पकड़ के दबाने लगता है, जिस पर वह लेडी मित्रु होशी को रोकती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लेडी हारू को वहां पर पढ़ा रही होती है। वहीं उसके दिए हुए क्वेश्चंस को हारू ने काफी अच्छी तरीके से सॉल्व किए होते हैं, जो देखकर वह लेडी हारू की काफी ज्यादा तारीफ करती है। अब हारू बोलता है, यह उतना भी मुश्किल नहीं था। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लेडी हॉस्पिटल में होती है, वहीं उसके बगल में हारू बैठा होता है। अब वह लेडी हारू से बोलती है, इंसान अकेला रहने की वजह से पूरी तरीके से टूट जाता है और बस इसकी एक ही दवा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में हारू एक जगह पर बैठी शिज़ुकु को देखता है। और अब वहां पर शिज़ुकु को देखकर हारू को याद आता है कि उस लेडी ने उससे कहा था, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिससे मिलने के बाद तुम अपने सभी पेन को भूल जाओ। और अब यह याद करके हारू वहां पर स्माइल करता है। और तभी वहां पर शिज़ुकु बोलती है, इसे मेरे पास से हटाओ। और अब शिज़ुकु वहां पर उठती है और बोलती है, हारू, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हारू बोलता है, मैं यहां पर एक मरे हुए इंसान के बारे में सोच रहा था। और अब हारू बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तो पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे यह सभी बातें अभी भी कैसे याद है। और अब हारू वहां पर शिज़ुकु को अजब ही बोलता है। वहीं हारू शिज़ुकु को देख रहा होता है और अब यह देखकर वहां पर शिज़ुकु थोड़ा परेशान हो जाती है। अब शिज़ुकु वहां पर कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वह कुछ नहीं बोल पाती। अब शिज़ुकु बोलती है, हारू, अब तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं करते। हारू बोलता है, हाँ, मुझे यह बात पता है, पर मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और अब हारू वहाँ शिज़ुकु की ओर बढ़ने लगता है, पर तभी शिज़ुकु उसे रोक देती है। अब हारू बोलता है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा, तो फिर चलो अब हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। अब शिज़ुकु बोलती है, अभी जो तुमने मुझसे कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हारू बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा तब हम दोनों एक साथ घूमने के लिए जाएंगे। शिज़ुकु बोलती है, वह बहुत पुरानी बात है।
और अब वहाँ पर शिज़ुकू और हारू आपस में लड़ने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुकू और हारू दोनों ही मौंजा खाने के लिए आए होते हैं। वहीं बैठी शिज़ुकू सोच रही होती है कि अब हारू की हरकतों से मुझे खतरा महसूस होने लगा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग एक बोर्ड पर अपना मार्क्स चेक कर रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू फर्स्ट आया होता है और शिज़ुकू सेकंड। वहीं यह देखकर शिज़ुकू काफ़ी गुस्सा होती है और बोल रही होती है, आखिर मैं जीत क्यों नहीं पाई। तभी हारू बोलता है, इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया था। और अब शिज़ुकू वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और बोलती है, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर जीतूंगी। और अब हारू को उस लेडी की बात याद आती है कि किसी दिन तुम ऐसे इंसान से मिलोगे जिससे मिलने के बाद तुम अपने सभी पेन को भूल जाओगे। और अब हारू खुश होकर शिज़ुकू के पीछे जाने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि अब मुझे थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अब हमें बताया जाता है कि ससयान काफी मुश्किल से पास हुआ होता है। वहीं ओसिमा के एवरेज मार्क्स होते हैं, वहीं दूसरी ओर नात्सुमी दोबारा फेल हो चुकी होती है और उसे दोबारा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुकू अपनी कोचिंग में बैठकर पढ़ रही होती है। और तभी शिज़ुकू अपने बगल वाले लड़के को लैपटॉप चलाते हुए देखती है और उसे देखकर शिज़ुकू रिच किड बोलती है। और तभी वह लड़का बोलता है, तुमने पिछले मॉक एग्जाम में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया शिज़ुकू। और अब यह सुनकर शिज़ुकू उस लड़के की ओर देखने लगती है। अब वह लड़का अपना चश्मा हटाते हुए बोलता है, तो अब हमारा प्यारा हारू क्या कर रहा है। और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि यामाकेन होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सभी लोग कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पर एक जगह बैठी शिज़ुकू यामाकेन का नाम याद करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर हारू शिज़ुकू के पास खड़ा होता है। अब शिज़ुकू बोलती है, हारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम नात्सुमी और हमारी पूरी क्लास के साथ क्यों नहीं गए। हारू बोलता है, जब वह लोग मुझे देखते हैं तो डरकर भाग जाते हैं और अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और अब शिज़ुकू वहाँ पर हारू को कुछ टिकट देती है जो उसे किसी और ने दिए थे। और तभी हारू शिज़ुकू के हाथ को देखते ही कुछ और करने लगता है। यह देखकर शिज़ुकू वहाँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उससे दूर हट जाती है। अब शिज़ुकू बोलती है, हारू तुम मेरे बिना परमिशन के मुझे टच नहीं कर सकते और अगर अगली बार तुम मेरे पास आए तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। यह सुनकर हारू बोलता है, यह तुम्हारी गलती है और तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और अब वह दोनों वहाँ पर बहस करने लगते हैं और अब वहाँ पर उनकी बहस सभी लोग देख रहे होते हैं। अब शिज़ुकू बोलती है, हारू तुम्हें मुझे मेरी पर्सनल स्पेस देनी होगी, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब हारू बोलता है, कितनी दूरी। शिज़ुकू बोलती है, 2 मीटर। यह सुनकर हारू बोलता है, 2 मीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब शिज़ुकू बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा वरना मैं तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू एक जगह पर काफ़ी गुस्से में लकड़ियां तोड़ रहा होता है। अब नात्सुमी बोलती है, इसमें तुम शिज़ुकू को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती है। आजकल तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो और तुम हमेशा शिज़ुकू के आगे पीछे घूमते रहते हो। और अब वहाँ पर नात्सुमी स्माइल करते हुए बोलती है, लड़कियों को यह पसंद नहीं कि वह इंसान उन्हें टच करे जो उन्हें पसंद नहीं। यह सुनकर हारू काफी परेशान हो जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है और बोलता है, तो यह बात है। अब नात्सुमी हारू से पूछती है, हारू तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो। हारू बोलता है, मैं यहाँ पर एक बैरिकेड बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नागोया के पास कई सारे लोग हमेशा आते रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि नागोया को कोई परेशान करे और मैंने इस बैरिकेड का नाम शिज़ुकू रखा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुकू कॉरिडोर से आ रही होती है और तभी वह वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनती है। अब शिज़ुकू उनके पास जाकर बोलती है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। अब ससयान देखता है कि वह शिज़ुकू होती है और अब ससयान शिज़ुकू को सब कुछ बताता है और बोलता है, हम कल्चरल फेस्टिवल से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। और अब वहाँ पर शिज़ुकू उसमें उन सब की मदद करने लगती है और उन्हें कई सारे टिप्स देती है। अब ससयान कहता है, यह काम करने के लिए हमें पहले बिल्डिंग 1 में जगह चाहिए होगी। शिज़ुकू बोलती है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब ससयान बोलता है, सभी लोग बिल्डिंग 1 में जगह पाना चाहते हैं और हमारे अपर क्लासमेट्स भी बिल्डिंग 1 में अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं और याना उनसे बात करने में डरता है। और तभी याना बोलता है, थर्ड ईयर वाले काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं, यहाँ तक कि उनका चेहरा देखकर कोई भी डर सकता है। और तभी अचानक वहाँ पर हारू आ जाता है जिसे देखकर याना और ज़्यादा डर जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक जगह पर बैठकर टीचर के साथ अपना स्टॉल लगाने के लिए जगह सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अब टीचर बोलता है, तो बिल्डिंग 1 में किस किस को जगह चाहिए। और अब वहाँ पर थर्ड ईयर के लड़के खड़े होते हैं और बोलते हैं, हमें जगह चाहिए। तभी वहाँ पर सेकंड ईयर का एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है, हमें भी चाहिए। पर तभी थर्ड ईयर के लड़के उसे डराने लगते हैं जिससे वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं यह सब देखकर ओसिमा सोच रही होती है, यह सभी सेकंड ईयर वालों को भी जगह देने के लिए तैयार नहीं, तो क्या यह लोग हम फर्स्ट ईयर वालों को जगह देंगे। और तभी वहाँ पर शिज़ुकू खड़ी होती है और बोलती है, उन्हें बिल्डिंग बी के फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस चाहिए। यह देखकर ओसिमा वहाँ पर काफी डर जाती है और बोलती है, यह तुम क्या कर रही हो शिज़ुकू, यह काफी खतरनाक हो सकता है। और तभी वहाँ पर हारू अपना पैर डेस्क पर रखते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, हमें फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस चाहिए। और अब हारू को देखकर शिज़ुकू सोचने लगती है, मैंने हारू को कहा था कि यहाँ पर सब कुछ आराम से संभाले
और अब शिज़ुकु हारू की ओर देखती है और शिज़ुकु को देखते ही हारू वहाँ पर हंसने लगता है। और अब हारू की हंसी देखकर शिज़ुकु वहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक थर्ड ईयर का लड़का आता है और वह शिज़ुकु को वहाँ पर धक्का दे देता है और यह देखते ही हारू वहाँ पर सीधे उस लड़के को पंच कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लोग आकर ससयान को बताते हैं कि उन्हें सेकंड बिल्डिंग के अंदर एक कॉर्नर का स्पॉट मिला है। यह सुनकर ससयान बोलता है वह तो बहुत खराब जगह है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब शिज़ुकु ससयान से माफ़ी मांगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू एक जगह पर घास उखाड़ रहा होता है और तभी वह वहाँ से ओशिमा को जाते हुए देखता है। अब हारू ओशिमा को आवाज़ लगाता है। अब ओशिमा हारू के पास आती है और बोलती है मुझे पता चला कि तुम्हारे क्लास को सेकंड बिल्डिंग के कॉर्नर का स्पॉट मिला है। हारू बोलता है हाँ। और तभी ओशिमा वहाँ पर नागोया के घर को देखती है और बोलती है वहाँ पर क्या हुआ है। हारू बोलता है वहाँ पर मैंने एक बैरिगेट बनाया है और उसने उस बैरिगेट का नाम शिज़ुकु रखा है। अब हारू बोलता है हमें वह स्पॉट मेरी गलती की वजह से मिला। शिज़ुकु ने मुझसे कहा था कि वहाँ पर सब कुछ आराम से संभालना है पर मैं ही था जो वहाँ पर फाइट करने लगा। यह सुनकर ओशिमा बोलती है शिज़ुकु ने तुमसे यह इसीलिए कहा था क्योंकि वह तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा केयर करती है। अब यह सुनकर हारू काफ़ी खुशी से बोलता है मुझे तो लगा था कि शिज़ुकु मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज होगी क्योंकि मैंने उसके पूरे प्लान को ख़राब कर दिया। वहीं पर हारू का वह चेहरा देखकर ओशिमा उसे फेस नहीं कर पा रही होती है। अब ओशिमा बोलती है मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। वहीं जाते वक्त वह सोच रही होती है कि मुझे शायद किसी गलत पर्सन से प्यार हो गया है। अब हारू बोलता है क्लास रेप उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम खुद को पसंद नहीं करती पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे अंदर नापसंद आने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। और अब यह सुनकर ओशिमा वहाँ पर काफ़ी खुश होती है और योशिडा को अब अपना नाम बताती है। और अब हारू ओशिमा को उसके नाम से बुलाता है जिससे ओशिमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब ओशिमा बोलती है योशिडा तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो। तुम्हारी इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई और अब मैं भी इतनी जल्दी गिवअप नहीं करूँगी। यह सुनकर योशिडा बोलता है मैंने यह कब कहा था। यह सुनकर ओशिमा सोचने लगती है क्या हारू वह सभी बातें भूल गया। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक जगह से छुपकर शिज़ुकु उनकी बातें सुन रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुकु अपने कोचिंग जा रही होती है। वहीं उसके साथ साथ ससयान और नात्सुमी भी आ रहे होते हैं। और अब नात्सुमी बोलती है हमारे साथ भले ही जो भी हुआ पर लास्ट में हमें सेकेंड बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पर जगह मिल गई। और तभी वह लोग वहाँ पर एक गली में यामाकेन और हारू के बाकी दोस्तों को देखते हैं। और अब वह सभी लोग उनके पास आते हैं। ससयान उन्हें देखकर बोलता है तो क्या तुम लोग भी स्कूल जाते हो। वहीं नात्सुमी देखती है कि वह लोग एक गली में वहाँ पर कुछ लड़कों को गंदी तरीके से मार रहे होते हैं। और तभी यामाकेन शिज़ुकु के पास आता है और बोलता है तो क्या शिज़ुकु तुम अपना स्कोर चेक करने के लिए जा रही हो। और अब शिज़ुकु और यामाकेन अपनी कोचिंग में पहुंचते हैं। वहीं पर यामाकेन बोल रहा होता है तो तुम हारू की गर्लफ्रेंड नहीं हो। पर क्यों, शिज़ुकु बोलती है मैं इसका जवाब देना नहीं चाहती पर मेरे पास एक रीज़न है, मैं अपनी पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाना चाहती। यह सुनकर यामाकेन बोलता है तुम काफ़ी बोरिंग लाइफ जी रही हो। यह सुनकर शिज़ुकु बोलती है यह बात मुझसे कौन बोल रहा है जो ऐसे ही आवारा की तरह घूमता रहता है। यह सुनकर यामाकेन बोलता है उन लोगों के साथ तुम मुझे कभी कंपेयर मत करना क्योंकि वह बस कुछ बेवकूफ़ है। और क्या तुम्हें उन लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता जो तुमसे कम स्मार्ट हो। शिज़ुकु बोलती है जब वह ऐसे लोगों को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह भी उनके साथ पीछे हो रही है। और अब शिज़ुकु वहाँ पर बोर्ड पर अपने मार्क्स देखती है और अब वह देखकर शिज़ुकु बोलती है हाँ कभी कभी यह देखकर अच्छा लगता है। और अब वहाँ पर शिज़ुकु अपने मार्क्स को देखती है और इसके बाद वह हारू के बारे में सोचने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन और शिज़ुकु एक जगह खड़े होकर अजीब तरीके से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यामाकेन के तीनों दोस्त नात्सुमी से स्कूल कल्चरल फेस्टिवल के टिकट मांग रहे होते हैं। वहीं नात्सुमी बोल रही होती है नहीं यह मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि यह टिकट मैंने अपने कुछ नए दोस्तों के लिए लिया है। और अब यामाकेन शिज़ुकु से बोलता है तो क्या तुम्हें इन बेवकूफ़ों को देखकर मज़ा नहीं आ रहा। और अब वहाँ पर शिज़ुकु अपने टिकट यामाकेन को देती है और बोलती है मुझे यह नहीं चाहिए, तुम इसे रख सकते हो। और वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त वह बोलती है अगर मेरी जगह हारू होता तो वह भी यही करता। और अब वहाँ पर वह तीनों बंदे पहले शिज़ुकु की तारीफ़ करते हैं और फिर उसे किताबी कीड़ा बोलकर चेयर करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर यामाकेन बोलता है शिज़ुकु ने यह मुझे दिया है और उसने मुझसे यह नहीं कहा कि इसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ। यह सुनकर वह तीनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू शाम को कुछ खरीद कर जा रहा होता है और तभी वह देखता है कि एक जगह पर बैठकर शिज़ुकु उसका इंतजार कर रही होती है। और अब शिज़ुकु हारू को वहाँ पर एक पैकेट देती है और बोलती है यह नात्सुमी ने तुम्हारे लिए दिया था। और अब शिज़ुकु वहाँ से जाने लगती है पर तभी हारू बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। शिज़ुकु बोलती है हाँ मैं बस तुम्हें यह पैकेट देने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं करने वाली। यह सुनकर हारू बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहती हो।
अब शिज़ुको बोलती है, नहीं मैं बस तुम्हें ज़्यादा होप नहीं देना चाहती जिससे तुम्हें किसी चीज़ का दर्द ना हो। और अब वहाँ पर हारू और शिज़ुको एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब हारू बोलता है, तो ठीक है अब बस मुझे तुमसे खुद को दोबारा पसंद करवाना होगा। अब हारू शिज़ुको की ओर आगे बढ़ता है और शिज़ुको के हाथ का बैग उससे मांगता है और बोलता है, यह बैग मुझे भारी लग रहा है। और अब हारू शिज़ुको के हाथ से वह बैग लेने लगता है, पर तभी हारू शिज़ुको की ओर आगे बढ़ के उसे किस करने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर हारू को नात्सुमी की बात याद आती है और अब वह बात याद करके हारू वहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है। अब हारू वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाता है और बोलता है, वह काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया था। वहीं हारू की इस हरकत की वजह शिज़ुको का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है और अब शिज़ुको हारू के हाथ से वह बैग लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं पर अब हारू का चेहरा भी लाल हो जाता है और अब वहाँ शिज़ुको भागते हुए ऊपर आती है। वहीं शिज़ुको का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है और अब वहाँ पर शिज़ुको खुद को शांत करती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू अपने घर आ चुका होता है। वहाँ पर मित्सुहोशी उससे खाने के लिए पूछता है पर हारू उसे मना कर देता है। वहीं हारू काफ़ी खुश होता है और सोच रहा होता है उस वक्त जब शिज़ुको वहाँ से जा रही थी उस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं बैठा मित्सुहोशी यह सब देख रहा होता है और अब वह हारू को खुश देखकर वह भी काफ़ी खुश होता है। और अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।